राजनेता मुझे जरा भी नहीं पसंद। नवम विवेक ठीक है, स्मार्ट है, लेकिन बहुत चालू है। कम जानने वाले को नेता चुनोगे तो कैसे निकलोगे? जो बुद्धू से बुद्धू आदमी बहुत चालाक होता है, क्योंकि आप देखिए कितने धोखा देते हैं, लेकिन धोखा तो पकड़ा जाता है ना, कभी ना कभी धोखा झूठ पकड़ा जाता है, और जो पकड़ा जा सके वो तो बुद्धू ही हुआ ना। अभी आपने बुद्धू बनाया, नेक्स्ट में पता चल गया आप धोखेबाज हैं। ये तो इसको बोलते हैं चालाकी, और चालाकी बेवकूफ़ी के साथ आता है। इंटेलिजेंट आदमी कभी भी चालाक नहीं होता है, वो सीधा खेलता है, लेकिन उसको पता होता है बहुत सारे रास्ते, कई रास्तों को वो जानता है कहाँ से निकलना है। वो बिना धोखा दिए उसको बोलते हैं इंटेलिजेंट। नवम सोसाइटी, तना सोसाइटी, तरा सोसाइटी, ये करके फायदा नहीं। जाति के लिए खेलेगा तो आपका समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। जब पॉलिटिक्स शुरू होती है तो बहुत गंदा खेल भी शुरू होता है। वर्ड के पीछे ज़्यादा पागल नहीं होना है, सही आदमी को चुनिए। आपको बीजेपी टिकट मिलो या कांग्रेस टिकट मिलो, ये आपके ऊपर है। अगर आपको टिकट मिलेगी तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। इसका मतलब हम भी कन्फ्यूज होंगे कि आप सपोर्टर हैं या अवसरवादी हैं। कोई भी टिकट लेके आओ, लेकिन हमको चाहिए नवम विवेक। गम पाया लिंचो सो गोम दुबजी गम गम फर्स्ट तो गो मैंने गौरम कल बेनम नहीं गौरम जाके क्योंकि बिचा को अजीब लगी देना इंजगा गो दो नियम गो दो दासी मतलब ऑकवर्ड फील मत कहो गौरम कल बेनम ना अब एक कम नुल सो गया इसी मैसेज आल दो ये गा गौनम जगम तनंग पक हद के पब्लिक डिमांड का हल गोतल नहीं। हेलो कम, अगर ऐसा है इसका मतलब है कि आप मुझे सिर्फ और सिर्फ नवम विवेक की पत्नी के रूप में नहीं जानते हैं, मेरे काम को भी जानते हैं, और मैं आपसे कनेक्ट कर सकती हूँ, बोल सकती हूँ, इसीलिए आप मुझे चाहते हैं। तो होगा मन निसंगम एकदम बिसी अब जब ग्योदर लम्बा देना, इसलिए बीच में हिंदी ग्योत नपी मयो मचोगा दलना। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यार को, स्नेह को मैं तहे दिल से नमन करती हूँ। नमन मतलब सिर झुका के प्रणाम करती हूँ, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ऊपर से क्या है कि जब ये कह रहे हैं सो हाला ग्योतम जॉइन मन बोतरप ग्योगम आपको बीजेपी टिकट मिलो या कांग्रेस टिकट मिलो, ये आपके ऊपर है। कोई भी टिकट लेके आओ, लेकिन हमको चाहिए नवम विवेक। हम आपको नवम विवेक के रूप में सपोर्ट करना चाहते हैं। तो ये बात मेरे दिल को बहुत ज़्यादा छू गई। तो ये है कि हम सपोर्टर इसी को ही कहेंगे। अगर आपको टिकट मिलेगी तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। इसका मतलब हम भी कन्फ्यूज़ होंगे कि आप सपोर्टर हैं या अवसरवादी हैं। तो अभी क्या है कि मिलो न मिलो आपको हम सपोर्ट करेंगे। तो क्या होता है कि हमारे दिमाग में भी रह जाता है कि सचमुच यही सपोर्टर है। आने वाले समय में अगर बीजेपी टिकट मिलती है नहीं मिलती वो अलग बात है, लेकिन मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा होगा बोल के मैं पक्के तौर पर नहीं कह रही हूँ, लेकिन अगर ऐसा होता कि अनकंटेस्ट होता हो जाता, मान लीजिए एग्ज़ाम्पल के लिए अगर ऐसा होता, तो जो लोग अभी कह रहे हैं कि आपको टिकट मिलने से हम सपोर्ट करेंगे, वो कैसे सपोर्ट कर पाएंगे? आपको वोट देने को ही नहीं मिलेगा अनकंटेस्ट हो जाने से आप तो वोट देने का भी आपको मौका नहीं मिलेगा। तो ऐसे लोग किस तरह से कहेंगे कि हम आपका सपोर्टर है? तो इसीलिए हम तो यही कहेंगे कि जो लोग आज यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं उनकी हिम्मत को, क्योंकि ये मामूली बात नहीं होती है, मैं चाहूँगी कि आने वाले हमारे नेता जिसको आप अपने नेता के रूप में चुन रहे हैं और बहुत खतरा उठा के सामने आ रहे हैं, उनको अपने दिमाग में हमेशा दिल दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि ये मामूली बात नहीं होती। जब हम अपने भाई बहनों से रिश्तेदारों से झगड़ा करके उनका दिल दुखा के जब हम आपके सपोर्ट के लिए बाहर आते हैं तो ये मामूली बात नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे झगड़े भी हो जाते हैं ना। नमकम ऊ को सुझ कुमार के
ऐसा बहुत कुछ होता है, तो उसका अपना एक अलग एक महत्व होता है, उसका इम्पोर्टेंस होता है। इसको हमेशा ख्याल में, दिल में रखना है। जो लोग इस तरह से आते हैं, खुलकर आते हैं, तो मैं आज के ज्वाइन करने वाले लोगों को अपनी तरफ से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ नवम विवेक जी की टीम में। और मैं अपनी तरफ से, मुझसे कहा गया कि ख़ास तौर से यहाँ की महिलाओं से थोड़ा सा कनेक्ट करूँ, तो लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि राजनीति में महिला पुरुष ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन जो लोग थोड़ा कमज़ोर होते हैं, जिनको आपकी मदद की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और जो ज़्यादा प्रॉब्लम्स से गुजरते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना ज़रूरी है। और ये पॉलिटिक्स, क्योंकि मैं तो नेता नहीं हूँ मैं जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं कॉलेज में, कॉलेज स्कूल में जब थी, तो मैं हमेशा कहती थी कि मैं बाद में जब शादी करूँगी ना, नेताजी से कभी नहीं शादी करूँगी नेता और डॉक्टर चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी उनसे शादी नहीं करूँगी, क्योंकि डॉक्टर बीमारियों को छू के आता है और राजनेता मुझे ज़रा भी नहीं पसंद। लेकिन आज मतलब जो भगवान है, वो उनका जो प्लान है, मुझे तो शुरुआत में वो अच्छा नहीं लगा था कि ये राजनीति में आएंगे, लेकिन जब मैंने फील किया, देखा कि एक व्यक्ति है जो, मैं स्वयं पढ़ी लिखी हूँ, एजुकेटेड हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ, तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ सोचूं। आपके लिए कौन से नेता सही है गलत है, उसको देखना मेरी भी ज़रूरत है, और मुझे थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा इसीलिए मैंने फैसला किया कि आपको राजनीति में, मैं बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर, मुझे तो करना नहीं आता, फिर भी मैं, मुझसे जितना हो सके मैं आपको सपोर्ट करूँगी। सपोर्ट करने का मतलब है कि आपकी जनता से मैं भी जुड़ने जा रही हूँ और तो ये है कि राजनीति में जब अब जब ये आ रहे हैं, तो मैं तो यही कहूँगी कि हमारा जो सोच है, हमारा जो विचार है, आपको हम सभी को छोटे छोटे चीज़ों से, जब पॉलिटिक्स शुरू होती है तो बहुत गंदा खेल भी शुरू होता है, वो हम सभी जानते हैं, लेकिन जो एकदम जो एक ब्रॉड लेवल में जब हम देखते हैं, हमको वहाँ रिश्तेदारी नहीं देखना है, जाति पाति नहीं देखना है, द्विमुख के लोग किस तरह के नेता को चुनते हैं, क्योंकि जनता जिस तरह की नेता को चुनते हैं, जनता की पहचान उसी से बनते हैं। इसका मतलब इस जगह की जो जनता है वो उस तरह के हैं, ऐसा आदमी अंदाज़ा लगाते हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि आप लोग बहुत सोच समझ करके, मेरे ख्याल से आज फैसला लेकर के, इतने खतरे उठा करके यहाँ खुलेआम तैयार हैं आप नवम विवेक जी को चुनने के लिए। तो मैं उनकी पत्नी होने के नाते नहीं, बल्कि एक पढ़ी लिखी महिला होने के नाते, जो समाज के लिए बहुत ज़िम्मेदार जो बातें हैं वो भी मैं सोचती हूँ कि हमारा समाज मेंटली भी बहुत डेवलप्ड हो, और साथ में आपकी जो फाइनेंशियली वो तो होगा ही, साथ ही साथ हमारा मेंटल स्थिति भी बहुत डेवलप्ड होना चाहिए। ऐसा सोचने वाले महिलाओं में भी मैं हूँ, इस वजह से, उस दृष्टि से मैं कहूँगी कि ये सचमुच में नेता के रूप में सही है आपका चुनाव। आप कल को एक एक आदमी को पर्सनली कुछ प्रॉफिट नहीं मिलने पर भी आप फख्र कर पाएंगे कि हमने ऐसे आदमी को चुन करके भेजा है जो बोलना जानता है, जो सोचना जानता है, जो प्लान करना जानता है, बहुत सारी चीज़ें। जैसे अभी एक जो भाई है यहाँ आकर के अपनी बहन के बारे में बता रहे थे, जो केस में फंस गए थे, ये कोई मामूली बात नहीं होती। हर बार पैसे दे करके मदद करने वाला ही नेता नहीं होता, उसके पास जानकारी होनी चाहिए। अगर आप दिल्ली में फंस गई, मुंबई में फंस गई, कहीं फंस गई, उसको रास्ता निकालना आना चाहिए। तो बात यह है कि इनके बारे में मुझसे भी बहुत से लोगों ने ये कहा कि नवम विवेक ठीक है, स्मार्ट हैं, लेकिन बहुत चालू है
ऐसी बातें मैंने बहुत से लोगों से सुने हैं, और मुझसे मेरी खुद के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से भी एक दो ने कहा कि सर के बारे में ये सुना है कि बहुत चालू है। अब मैं इसको आपको थोड़ा सा ये बता दूं, क्योंकि मैं बड़ा चढ़ा कर नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे पता है कल को आने वाले समय में आप उनको नेता चुनेंगे, आप उनके साथ लेन देन करेंगे, आप उनके साथ काम करेंगे, तो आपको पता चलेगा ना। इसके बाद बोलेंगे नहीं मैडम तो झूठी है, मैडम ने झूठ बोला था, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए मैं भी बहुत सावधान हूँ, जो मैं जानती हूँ मैं उसी को बता रही हूँ। तो चालू की बात जो है ना वो ये है कि चालाकी में और इंटेलिजेंसी में फ़र्क होता है। इंटेलिजेंट आदमी कभी भी चालाक नहीं होता, क्योंकि उसको पता है अपनी इंटेलिजेंसी रास्ता, इंटेलिजेंसी के थ्रू रास्ता निकालना उसको आता है। वो ईमानदार आदमी होता है, जैसे कि अभी वो मुंबई में फंस गए थे, और इतने दूर में किसने सोचा था कि किसी एडवोकेट से ये बात करा सकता है और उनके लिए रास्ता निकाल सकता है, किसी ने नहीं सोचा था। ये तो चालू बोल के नहीं ना, इनकी दोस्ती यारी, इनकी पहुँच और लोगों के साथ रिश्ते बनाने इसको आता है, और वो चालूबाजी नहीं है ना, ये ईमानदारी से उनकी मदद की, क्योंकि उनको पता है कैसे निकलना आता है। तो मैं ये कहूँगी कि आप अपने बराबर बेवकूफ़ वाले या अपने से कम जानने वाले को नेता चुनोगे तो कैसे निकलोगे। इसलिए अपने से ज़्यादा जानकार वालों को चुनना है, ताकि कहीं भी कुछ भी किसी भी तरह की तरह से अगर आप फंस गए तो वो आपकी मदद कर सकें, आइडिया भी दे सकें कम से कम, नहीं तो और भी फंसा देंगे ना और भी फंसा के हमारे नेताजी ने कहा ऐसा करो, हमने कर ली, इसके बाद फंस गए और आपको भी शर्म आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि मैं तो कहना बहुत सारी चीज़ें चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग बोलने वाले, तो मैं जल्दी जल्दी ये कर दे रही हूँ। तो ये चालाक आदमी नहीं है, इंटेलिजेंट आदमी है, बहुत स्मार्ट है। चालाकी हम जो बुद्धू से बुद्धू आदमी बहुत चालाक होता है, क्योंकि आप देखिए कितनी चालाक, कितने धोखा देते हैं, धोखा देते हैं, लेकिन धोखा तो पकड़ा जाता है ना, कभी ना कभी धोखा झूठ पकड़ा जाता है, और जो पकड़ा जा सके वो तो बुद्धू ही हुआ ना। अभी आपने बुद्धू बनाया, नेक्स्ट में पता चल गया आप धोखेबाज हैं, ये तो इसको बोलते हैं चालाकी, और चालाकी बेवकूफ़ी के साथ आता है। इंटेलिजेंट आदमी कभी भी चालाक नहीं होता है, वो सीधा खेलता है, लेकिन उसको पता होता है बहुत सारे रास्ते, कई रास्तों को वो जानता है कहाँ से निकलना है, वो बिना धोखा दिए, उसको बोलते हैं इंटेलिजेंट। मैं यही कहूँगी कि आपके आने वाले जो नेता है वो चालाक नहीं, वो इंटेलिजेंट आदमी है। आपको उन पर फख्र होगा, कहीं भी जाएंगे आप साथ में उनके जाएंगे, वो कुछ बोल रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, आपको पर्सनली कुछ नहीं बेनिफिट नहीं मिलने से भी आपको फख्र होगा कि मैंने इसको चुना, इसको कुर्सी पर मैंने बिताया, इसकी कुर्सी पर बैठने के पीछे मेरा भी वोट है, शामिल है, तो आपको फख्र होगा। तो ऐसे अपने नेता का साथ दें, और पूरी ईमानदारी से, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर हम छोटा छोटा सोचने लगे सोसाइटी, जैसे अभी आपने जैसे बताया ना कि तारा आप सोसाइटी ऐसा कुछ, हाँ तो ये सोसाइटीज़ वगैरह तो सभी हैं, नाबम हिना सोसाइटी भी है ना अगर ये सोसाइटीज़ सिर्फ और सिर्फ अपने खानदान और जाति के लिए खेलेगा तो आपका समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। हमको वो जैसे हम लोग निशी, हमारे अपने ट्राइबल जो निशी सोसाइटी में हम लोग पहले यूलो पूजा करते हैं। यूलो किस लिए करते हैं कि खानदान में सभी लोग, सबकी अपनी अपनी पसंद है, अपने अपने ढंग हैं, सब अपने तरीके से जिएंगे, लेकिन भीतर से इमोशनली हम एक साथ जुड़े हुए होंगे, हमारी यूनिटी रहेगी, इसीलिए यूलो किया जाता है, इसीलिए उसकी ब्यूटी है। तो उसी को, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा हम लोग अलग रिलीजन भी करने लगे तो हम वो यूलो को नहीं कर पाते ना, उसी का अलग रूप हमने ये सोसाइटी के रूप में लोग चला रहे हैं, ये ना सोसाइटी, तारा अब सोसाइटी, जोरम सोसाइटी, सारा चीज़। तो यूलो में जब पूजा करते हैं
तो सभी गांव वालों के लिए अच्छी प्रार्थना होती है, वो एक प्रकार की प्रार्थना होती है। इसमें हम दूसरों के जो दूसरे लोगों को अपने दुश्मन मानकर चलने के लिए नहीं करते हैं। इसलिए मेरे ख्याल से जो हम सोसाइटी बनाते हैं वो बीमारी में तकलीफ में साथ आने के लिए है, गलत चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए नहीं है। अगर कोई नाबम लड़का उसने चोरी की या किसी की पिटाई की, उस गलती उसकी है, और नाबम वर्ड को सुनकर ही आप लोग अंधाधुन उसको सपोर्ट करोगे, मैं नहीं मान सकती। ये आपकी बेवकूफ़ी है, ये इंटेलिजेंट सोसाइटी नहीं हो सकता। इतना छोटा सोच हमको नहीं रखना है, हमको थोड़ा बड़ा सोच रखना पड़ेगा। छोटी छोटी चीज़ें चलती रहेंगी, परिवार में झगड़े चलते रहेंगे, लेकिन होल सोसाइटी में आप पार्लियामेंट में या ये में आप अपने तरफ से किस तरह के प्रतिनिधि को भेजना चाहते हैं, ये आपकी समझ इंटेलिजेंसी को दर्शाएगा। इसलिए ये जातिवादी चीज़ों से ऊपर उठ के, क्योंकि अब ये देखो हम लोग नवम सोसाइटी, तना सोसाइटी, तरा सोसाइटी, ये करके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारे रिश्ते जो हैं वो स्पाइडर वेव की तरह है। स्पाइडर वेव मतलब वो जो मकड़ी के जाल जैसे, कहाँ से शुरू है कहाँ से ख़त्म है कुछ पता नहीं है। क्योंकि आपके घर में हमारी नाबम औरत है, हमारे घर में आपकी औरत है। अगर नाबम वर्ड को हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए, तना वर्ड को भी हटा दीजिए, तची वर्ड को हटा दीजिए, तब हम क्या है, सब रिश्तेदार हैं। यहाँ कौन नहीं अपने हैं, सभी अपने हैं, सभी रिश्तेदार हैं। इसीलिए वर्ड के पीछे ज़्यादा पागल नहीं होना है, सही आदमी को चुनिए, सही आदमी को चुने, और आपको वो किस तरह से लीड कर सकता है, आपको कैसे सपोर्ट कर सकता है, आपकी तकलीफ़ों को, ये जो जनता की पब्लिक की जिंदगियां बहुत आसान हो, सरल हो, ऐसा रास्ता कौन निकाल सकता है, उसको देख कर के चुने। अब क्योंकि नेता जी ही नवम नवम करते रहेगा तो उसको भी नेता नहीं चुनना है, गलत बात है ये। पूरे सोसाइटी को गाइड करने के लिए वो आएगा तो उसका सोच बड़ा होना पड़ेगा, और उसकी सोच के साथ आपको भी ऐसा ही सपोर्ट करना पड़ेगा, जिनको आप रिस्पेक्ट करते हैं, कर सकेंगे ऐसे आदमी को चुनेंगे। और मैं यकीन करती हूँ कि आने वाले समय में ये जो टीम जो है, क्योंकि ये एक आदमी का काम नहीं है ना, नाबम विवेक अकेला कुछ नहीं कर सकता, ये आप सभी मिलकर इनको ये करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो हम जीतेंगे। और मेरा पूरा यकीन है कि हमारे द्विमुख जगह में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये मामूली नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इंडिया में सेकंड नंबर में लास्ट ईयर आया था, पूरे इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ में सेकंड नंबर पे आया था, ये मामूली बात नहीं होती। वहाँ पे दूर दूर से बड़े बड़े स्कॉलर्स आते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स, प्रोफेसर्स, जितने किताबें कानून बनाने वाले लोग आते हैं, और वे जब आते हैं आपके स्थान पर, आपकी जगह में, और वहाँ की नेता का पता करते हैं। तो यूनिवर्सिटी आपके जगह में है, और वहाँ से नेता आप चालू और बुद्धू आदमी को चुनोगे तो आपको भी शर्म आएगी। तो ऐसा मैं यकीन करती हूँ कि, यकीन नहीं, मैं जानती हूँ आप गलत नहीं करने जा रहे हैं, इनका इनके सपोर्ट में आ रहे हैं। आपको, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और महिलाओं से मैं किसी और समय में बात करूंगी, बहुत लंबी बातचीत करूंगी, कभी मुझे बुलाइए। औरतों को कैसे, क्या हम किस तरह से अपने दिमाग को खोल सकते हैं वो हम बातचीत करेंगे, लेकिन आज क्योंकि बहुत बोलने वाले लोग हैं, तो मुझे मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।